बार ईद स्पेशल है किसानों के साथ मनाने का, इसलिए मनाई गई क्योंकि जब किसान हमारे भाई, वो भी तो हमारे लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए थोड़ा ही ना कर रहे हैं, वो सबके लिए कर रहे हैं। इनके साथ तो अपना दिल का रिश्ता है और बहुत प्यार है इनके साथ हमारा, हम इनके साथ हर जगह खड़े हैं। इसमें सबका नुकसान है, आज तो सिर्फ किसान खड़े हैं कि काले कानून वापस लो, कल को तो सब पे पड़ेगी ना। ये पगड़ीधारी है तो खालिस्तानी है, टोपीधारी है तो आतंकवादी है, इनके लिए तो यही है। ये तो गोदी मीडिया का काम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ाओ और राज करो। मोदी का तो धन्यवाद है, उसने हमें एक कर दिया सबको, आज हम सब एक जगह खड़े हैं। सत श्री अकाल जी सारे, मैं गुरप्रीत सिंह बल पंजाब न्यूज़ देख रहे हो तो तुहाडा स्वागत करता, उम्मीद करता तुसीं ठीक ठाक होंगे। अज तरीक है 14 मई, ईद का त्यौहार मुसलमान भाईचारे का एक वड्डा त्यौहार मनिया जाता है, तो इस भाईचारे को काफ़ी बदनाम भी किया गया सीगा। अक्सर आप सोशल मीडिया से देखते हैं तो काफ़ी जिहड़े न्यूज़ चैनल भी ने लगातार जिहड़े इस भाईचारे को कई बार भंडन की कोशिश की जाती सी, अतवादियों नाल तुलना की जाती सी, हालांकि सिखां नू खालिस्तानियों नू जिहड़ा अतवादियों नाल जिहड़ा मिलाउण की कोशिश की गई सी, पर उही जिहड़े अज मुसलमान जिहड़े ने अज किसानी मोर्चे दे नाल डटे हुए ने, ते उही सिख वीर जिहड़े ने अज किसानी मोर्चे दे विच वी जिहड़ा आ ईद का त्यौहार बड़े धूमधाम नाल मना रहे ने। मेरे नाल एक मुसलमान भाईचारे दे ताल्लुक रखदे हो एक भाई, उन्हीं ने भाई क्या नाम है अपना? मेरा नाम है अजीम अली। कहाँ से हैं आप? मैं 32 से, यहाँ से लोकल ही हैं। तो आप ईद का त्यौहार मनाने आज स्पेशली इन सिखों के साथ किसानों के साथ आए हैं? हाँ जी, सिखों के साथ किसानों के साथ मिलजुल के ईद का त्यौहार मनाएंगे। क्या खास कारण है इनके साथ मनाने का? इनके साथ तो अपना दिल का रिश्ता है और बहुत प्यार है इनके साथ हमारा, हम इनके साथ हर जगह खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अच्छा, लोग कई बार ना, ज़्यादातर मैंने देखा जो गोदी मीडिया है वो ये प्रचारता है कि ये जो मुसलमान है वो सिखों के दुश्मन है, सिख जो है हिंदुओं के दुश्मन है, हिंदू जो है मुसलमानों के दुश्मन है, पर असल में ये चीज़ है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे आधे से ज़्यादा दोस्त सारे सिख हैं, इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी, प्यार से रहते हैं सब। ये तो गोदी मीडिया का काम है सारा, ये तो बिकी हुई मीडिया है जो ऐसा बोलती है। सब इकट्ठे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। अच्छा, ईद आपने वैसे भी मनाई होंगी जी, पिछले साल भी मनाएंगे, उससे पिछले साल भी आप ईद मनाते होंगे, इस बार ईद मनाने का खास कारण क्या था किसानों के साथ? इस बार ईद स्पेशल है किसानों के साथ मनाने का, इसलिए मनाई गई क्योंकि जब किसान हमारे भाई, वो भी तो हमारे लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए थोड़ा ही ना कर रहे हैं, वो सबके लिए कर रहे हैं। इसमें सबका नुकसान है, आज तो सिर्फ किसान खड़े हैं कि काले कानून वापस लो, कल को तो सब पे पड़ेगी ना। ये सबसे ज्यादा कौन मरेगा? गरीब मरेगा, मिडिल क्लास का मरेगा, जिसने रोज कमाना रोज खाना, वो कहाँ से इतना महंगा आटा लेके खाएगा। इसलिए आज हम इनके साथ हैं और इनके साथ रहेंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते। बीजेपी वाले तो लगातार ये प्रचार कर रहे हैं, चाहे गुजरात की बात कर लो या कोई भी और सूबे की बात कर ली जाए, तो वो तो ये लगातार ये प्रचार कर रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो भी गलत हैं, मुसलमानों की जो छवि है वो भी गिरावने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पीछे जब ये मोर्चा शुरुआत में था तब भी ये सिखों की जो छवि थी वो भी कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश की गई थी, तो फिर इनसे चीज़ों से फ़र्क पड़ता है आपको? ठेस तो नहीं पहुंचती मन को? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पगड़ीधारी है तो खालिस्तानी है, टोपीधारी है तो आतंकवादी है, इनके लिए तो यही है। ये तो गोदी मीडिया का काम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ाओ और राज करो, बस यही काम है। आप आगे आ गई है, आप क्या नाम है आपका? साकिर। कौन सी कहाँ से आए हैं आप? हम बंगाल से। बंगाल से आए हैं यहाँ पे? नहीं, हम यहीं रहते हैं, हम बंगाल से शुरू से यहीं रहते हैं। अच्छा, और ये मैंने इनसे भी एक सवाल पूछा कि जैसे कि आप पहले भी आप ईद मनाते होंगे, मुसलमान भाईचारे से आप ताल्लुक़ रखते हैं, पहले भी ईद मनाई होगी, इस बार ईद में क्या खास है? इस बार ईद में खास तो वैसे इस बार काफ़ी दिक्कत आ रही है ईद में, इस बार खास उतना कुछ नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है, हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते पालन करते हुए। आप यहाँ पे खास कारण क्या आपका यहाँ पे सिखों के साथ आने का? हमारा कारण यहाँ आने का खास ये है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हम एक भाई भाई हैं, हम सबके साथ चलते हैं, उनका त्यौहार होता है वो हमें इनवाइट करते हैं, हम जाते हैं हमारा होता है उनको इनवाइट करते हैं, वो आते हैं, हम सब एकता है। हम ये नहीं देखते हैं कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, हम सबके घर खाते पीते हैं, वो लोग हमारे घर खाते पीते हैं। हम शुरू से
भाईचारे में चलते हैं। अच्छा भाई, मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, वो कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया पे भड़काने की कोशिश करते हैं कि ये जो हिंदू हैं भाई इनसे थोड़ा सा दूर रहो, ये मुसलमान है भाई इनसे थोड़ा सा दूर रहो, ये खालिस्तानी है इनसे थोड़ा सा दूर रहो? ये सब बीजेपी के लोग हैं। ये बीजेपी वाले जो है ना, इनका काम ही यही है, आपस में लड़ाओ और फूट डाल लो और राज करो। आज यहाँ पे देख लो, सब एक है। मैं, मेरे भाई है यहाँ पे, मैं इनके साथ खा रहा हूँ, ये मेरे साथ खा रहे, ईद मिल रहे हैं मेरे साथ, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ जो दिक्कत है वो सिर्फ मीडिया में है, जो गोदी मीडिया है ना वहाँ पे दिक्कत है। वो हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख ईसाई, टोपी लगा ली तो आतंकवादी, पग लगा ली तो खालिस्तानी, बस इनके पास और कोई काम तो है नहीं। जो सही खबर है वो तो दिखानी ही नहीं इन्होंने, बस यही चला के रखना के लोगों के दिमाग में बस एक चीज भरी जाए कि ये मुसलमान है इससे दूर रहो, ये सिख है इससे दूर रहो, बस। किसानी से एक फायदा तो हो गया कि जो बंटवारा हुआ था, जो पहले लोगों के मनों में जो मतभेद थे वो कम हो गए, अब लोग एकजुट हो गए, चाहे सरदार है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है। पर लगता है कि बीजेपी का जो एजेंडा आप बता रहे हैं कि बीजेपी एक दूसरे को दूर करना चाहती है, कामयाब होगी? नहीं कामयाब होने की, मोदी का तो धन्यवाद है, उसने हमें एक कर दिया सबको, आज हम सब एक जगह खड़े हैं, इसलिए तो उसका धन्यवाद है कि उसने हमें एक कर दिया, आज हम सब एक जगह खड़े हैं। बाकी जो काम है वो सब गोदी मीडिया का काम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ग्राउंड पे आके देखो तो कुछ नहीं है, सब एक है, एक साथ खा रहे, एक साथ पी रहे, एक दूसरे के त्यौहार है उनको, फेस्टिवल को आपस में सेलिब्रेट कर रहे, एक दूसरे के घर आते हैं जाते हैं, तो सब एक है। वैसे आप बंगाल से हैं, आप बंगाल में अभी बीजेपी हारी है, क्या लगता है पूरे देश से हार पाएगी? जी बिल्कुल हारेंगे, ये जो इनके जो ये लोग ऐसे कर रहे हैं, जो भड़का रहे हैं, भड़काना भाषण देते हैं एक दूसरे को अलग करने के, ये तो कभी इंशाल्लाह ये कभी कामयाब नहीं होंगे। देखो अकेला हमारे वहाँ ममता जी जो है वो अकेले इन सब पे भारी पड़ गया, मोदी पे भी भारी पड़ गया, अमित शाह जी पे भी भारी पड़ गया, योगी पे भी भारी पड़ गया, जितने थे ये जितने इनके थे सबको इन्होंने वहाँ पे लगा दिया, कामयाब नहीं हो पाया। उन्होंने अकेला एक महिला अकेला सब पे भारी पड़ गया, उनको थोड़ा तो वो तो मिल गया सबक, जो मिलना था उनको तो मिल चुका। अब ये पूरे देश से भी निकल जाएंगे? बिल्कुल निकलेंगे जी, यहाँ देखो पंजाब से तो है ही नहीं, बिल्कुल नामो निशान नहीं है पंजाब में, पंजाब में तो नामो निशाना नहीं है बिल्कुल, हमारे बंगाल में भी उनका नामो निशाना खत्म कर दिया अकेला ममता जी ने, वो अकेले दम पे ये पूरे जितने थे टोटल को लगा दिया, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं कर पाया। कह रहे 200 सीटें लाएंगे, 250 सीटें लाएंगे, कुछ भी नहीं आया। ये तो पंजाब में भी कह रहे हैं पंजाब में हम सरकार बनाएंगे, पंजाब में भी नहीं बनेगा, जो कैप्टन साहब है वो बहुत स्ट्रांग है, उसके मुकाबला नहीं कर सकता मोदी। मोदी जितने वो लोगों को ऐसे ले आ रहे थे, 15 लाख आएंगे, 20 लाख आएंगे, सब अब सब जितने किसान है ना सब समझ गए कि वो क्या फॉर्मूला दे रहे हैं, अब नहीं कोई उसके झांसे में आने वाला। तुम देख सकते हो मटका चौंक दे विच खड़े हैं असीं, चंडीगढ़ के मटका चौंक दे विच, ते इत्थे जिहड़ा आ खीर का लंगर अज ईद के त्यौहार के विच, छोटे छोटे बच्चे भी तुसीं देखे हो कि परिवार समेत इत्थे जिहड़े परिवार पूरे जिहड़े ने मुस्लिम भाईचारे के जिहड़े ताल्लुक रखते हैं पूरे परिवार जिहड़े इत्थे पहुँचे ने, अपने हत्थां दे नाल जिहड़ी आ सेवा करके लंगर की जिहड़ी सेवा करी जा रही है, नाल ही सिख भाईचारे के लोग जिहड़े ने हुम हुम आ के इत्थे पहुँचे ने। मैं उधरली साइड दिखाया सीगा कि जिहड़ा आ कवालियां दा खास तौर पर जिहड़ा आ अज जिहड़ा आ इत्थे इन्हां ने रख्या आ त्यौहार जिहड़ा मनाउण दी कोशिश कीती आ कि उधर कवालियां चल रही ने, तुसीं इकट्ठ देख सकते हो कि सोशल डिस्टेंसिंग भी पूरी तरीके नाल कीती जा रही है, मास्क पाए हुए हैं, सैनिटाइज़ किया जा रहा है लोगों नूं, ताकि किसी तरीके की कोई भी दिक्कत जिहड़ी आ सरकार वल्लों सरकारी दरबारे वल्लों ना की जाए। बहुत वड्डे पद्धर उत्ते देखा जाए तो ईद का त्यौहार है, पर ज़्यादातर जिहड़े इत्थे ने सिख वीर जिहड़े ने मुसलमान भाईचारे दे नाल जिहड़े ईद मनाउण वास्ते इत्थे आए ने, इन्हां दे विच भी जिहड़ा आ प्यार जागदा है, इन्हां दे विच भी जिहड़ी आ इंसानियत आ, इन्हां दे विच भी उही एकजुटता आ जिहड़ी है बीजेपी सरकार तोड़न ते तुली हुई सी, पर कितना किते इहो जिहियां वीडियोज़ इहो जिहे मोर्चे जिहड़े ने उन्हां दी इस जिहड़ी है वह बुद्धि नूं वह कितना किते ढेरी करदे हुए नज़र आउंदे ने। उम्मीद करदे दोस्तों वीडियो चंगी लगी होगी, वीडियो नूं वध-वध शेयर कर दिओ, होर इहो जिही वीडियोज़ लैके समय समय सिर तुहाडे तक सांझी करदे रहांगे। तद तक लई मैनूं यानी कि गुरप्रीत सिंह वल्लों दिओ इजाज़त, ते वेखदे रहो पंजाब न्यूज़। धन्यवाद।